ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये दूसरा मौका है जब ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होते हुए भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले सन 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई हैं। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन 6 माह के भीतर उन्हें राज्य के किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। दरअसल कोई भी मुख्यमंत्री बिना विधानसभा सदस्य रहे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वह विधान परिषद का सदस्य भी चुनकर मुख्यमंत्री बन सकता है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर किसी विधानसभा से चुनकर आना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वह विधान परिषद से भी चुनकर आ सकता है। यही मुख्य कारण है ममता बनर्जी की मुश्किलों का। अगर वह 6 माह के भीतर किसी विधानसभा या विधान परिषद से चुनकर नहीं आती हैं तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करें। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे। धन्यवाद।